ऑल इंडिया मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूप सिंह सैनी ने किया नामांकन दाखिल। ऑल इंडिया मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूप सिंह सैनी अपने मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ गांधी समाधि पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी को फूल मालाएं समर्पित की। इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जमकर नारेबाजी की। रूप सिंह सैनी ने बताया कि वह लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने अभी कचहरी पहुंचेंगे। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी समाधि पर आए हुए हैं आप लोग, क्या मामला है? सर, ये मामला ये है, हम ऑल इंडिया सैनी समाज के भी कार्यकर्ता है, इसमें ऑल इंडिया राम रहीम मजदूर संगठन के भी कार्यकर्ता है और ऑल इंडिया राम रहीम मजदूर संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम रूप सिंह सैनी। क्या मतलब यहाँ क्या मकसद है आने का? सर, मकसद ये है, हम ये रामपुर की ऐतिहासिक गांधी समाधि पे आकर्षित हुए। यहाँ गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ से हम 7 लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव नामांकन दाखिल करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है चुनावी रण में जो है इतने दिग्गज नेता है, यहाँ पर क्या लगता है आपको, किस हद तक आप जो है चुनावी मैदान में कूद पाएंगे और कहाँ तक मजबूती है आपके? देखो भैया, यहाँ इस रामपुर के अंदर 90% लोग मजदूर रहते हैं, जैसे कार चौक बनाने वाले, सीढ़ी बनाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेली चलाने वाले, कार चौक करने वाले, खेतों में काम करने वाले, रोडों पे काम करने वाले, बहुत से राजमिस्त्री मजदूर हैं। अच्छा, तो आप अपना मुकाबला किस से मानते हैं? मेरा मुकाबला तो भैया सिर्फ संजय कपूर से। ऐसा क्यों? मेरी ताकत का नशा, मेरी ताकत का अंदाजा ये मोहम्मद आजम खान समझ चुके हैं। मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कपूर से। तो आपको लगता है कि आपका मुकाबला बाकी किसी से नहीं है, संजय कपूर से? संजय कपूर से। ऐसा क्यों? ऐसा ही हूँ, ये मजदूर लोग मेरे साथ हैं। तो आप अपने आप को मजबूत मानते हैं? मजबूत मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे भैया, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लोग भी तरह तरह की बातें कर रहा है और भी पार्टी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे संगठन को मतलब बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया राम रहीम मजदूर संगठन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है।